हाय गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा मदरसन सुमी शेर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ये शेयर मल्टीबैगर बन सकता है कि नहीं, इस रेट पे इसके अंदर हमें एंट्री करनी चाहिए कि नहीं, शॉर्ट टर्म में ये प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में ये शेयर जो है वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो अगर आप इस शेयर के अंदर पहले से ही इन्वेस्टेड हैं तो क्या आपको ये होल्ड करना चाहिए कि नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप ये शेयर खरीदने की सोच रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, चार्ट एनालिसिस करेंगे, तो ये सारी चीज़ों का सब जवाब एक्चुअली हम लोग इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली शेयर मार्केट रिलेटेड या शेयर से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज जो हैं वो डालता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कुछ भी सजेशन हैं किसी शेयर के बारे में, आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। शेयर मार्केट रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का खुद रिस्पॉन्स देता हूँ गाइज। तो चलिए बात कर लेते हैं मदरसन सोनी जो है कंपनी कंपनी के बारे में। मदरसन सोनी जो कंपनी है वो बेसिकली एक मल्टीनेशनल ग्रुप है गाइस, और ये बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो बेसिकली इक्विपमेंट होते हैं, कार या टू व्हीलर से रिलेटेड उसके जो पार्ट्स होते हैं वो बेसिकली वो प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, ये डिज़ाइनिंग और प्रोटोटाइप जो है उसके प्रोडक्शन में भी है, मतलब इंजन से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, इंजन रिलेटेड या कार रिलेटेड या बाइक रिलेटेड या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं छोटे मोटे, ये एक्चुअली ये प्रोडक्शन करता है। और इसका बिजनेस जो है बहुत सारी देशों में वो एक्सपोर्ट भी करता है, तो ये एक्चुअली इसका बिजनेस है। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसका 36,000 करोड़ का है, और रिस्क लेवल की अगर बात करें तो ये स्टॉक जो है, स्टॉक इज 2.17 वॉलेटाइल, मतलब काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है गाइस, थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है वॉलेटिलिटी के बारे में मामले में। वॉलेटिल मतलब ये शेयर एकदम जोर से ऊपर जाता है, एकदम जोर से नीचे भी आता है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है इसके अंदर। पी रेशो की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 31% का पी रेशो है इसका, और सेक्टर का पी अगर देखें तो सेक्टर का पी 67 का है, इसका पी रेशो 31 का है, तो मतलब पी रेशो सेक्टर के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है। मगर 31 का पी गाइस काफ़ी महंगा माना जाता है, ये बात आप समझ लीजिए। इसका रीज़न ये है, अगर 20 से पी कम होता है तो ही वो शेयर अच्छा माना जाता है कभी कभी, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पी रेशो ऊपर ज़्यादा हो तो वो शेयर अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ मामले में पी रेशो 60 से भी ऊपर है, मगर फिर भी शेयर बहुत अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यू पे हो सकता है गाइस। डिविडेंड यील्ड की बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखें हम लोग तो 1.28 का है, जो कि काफ़ी अच्छा है प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से, बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट टू बुक रेशो अगर देखें, प्रॉफिट बुक रेशो तो यहाँ पे 2.55 का है, जो कि काफ़ी बढ़िया मान सकते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं चार्ट पे हमें कैसा दिख रहा है। चार्ट पे अगर हम देखें 1 डे का चार्ट, तो यहाँ पे माइनस 0.21% का लॉस दिखा रहा है। 1 वीक का चार्ट हम देखें तो 1 वीक में गाइज दोस्तों यहाँ पे 1.5% का लॉस दिखा रहा है। 1 महीने का अगर चार्ट देखें तो 1 महीने में 24, मतलब अराउंड 25% का प्रॉफिट इसने दिया है। 1 महीने के अंदर 25% का प्रॉफिट, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट इसने दिया हुआ है। 1 साल की अगर बात करें तो 1 साल में 20% का प्रॉफिट इसने दिया हुआ है। 5% की बात करें, 5 ईयर की अगर हम बात करें तो 5 सालों में इसने लॉस दिया है 13% का, जो कि थोड़ा सा वरी करने की बात है गाइस दोस्तों। तो अब देख लेते हैं फोरकास्ट के कितने एनालिस्ट ने इसको एनालाइज किया है। तो 28 एनालिस्ट ने इसको एनालाइज किया है, 70% एनालिस्ट जो है इसको बाय की रेटिंग दे रहे हैं।
फाइनेंशियल देख लेते हैं इसका, रेवेन्यू और नेट इनकम। रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है गाइस, स्टेडीली बढ़ रहा है। नेट इनकम जो है, नेट इनकम इस साल यहाँ पे इसका कम दिख रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोविड की वजह से इसको नेट इनकम में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हुई है, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी पेन है और इसका जो बिजनेस है मेनली ऑटो इंडस्ट्री पे डिपेंडेड है, बिकॉज ऑटो इंडस्ट्रीज को ये पार्ट्स, ऑटो स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करता है। तो ऑटो इंडस्ट्री का अगर इनकम कम होगा तो इसका भी इनकम कम होगा, और जैसे कि आप जानते हैं ऑटो इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल होती है गाइस, क्योंकि हर 20-21 सालों में रिफॉर्म आते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के एक्चुअली रूल चेंज होते हैं, तो उस इस पे एक्चुअली काफ़ी एक्चुअली इसके ऊपर, इसका इस कंपनी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये हमें देखने वाली बात है गाइज। तो बात करते हैं, ये शेयर जो है ये हमें मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है गाइज, ये मल्टीबैगर बन सकता है गाइज। ऑटो इंडस्ट्री में अगर बूम आएगी तो इस शेयर में भी ज़बरदस्त बूम आएगी, ये काफ़ी अच्छे रेटों पे अभी मिल रहा है, तो यहाँ पे आप एंट्री बिल्कुल कर सकते हैं। आप देख लेते हैं तब प्रमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर के पास दोस्तों 61%, मतलब अराउंड 62% की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छा होल्डिंग है। यहाँ पे येलो में जो दिख रहा है वो येलो मतलब गिरवी रखे हुए शेयर की। तो मदरसन सोनी ने 7% की जो उनकी होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है, तो 7% के शेयर जो है वो गिरवी रखे हुए हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मुझे लग रहा है। देखते हैं 2019 में देखें तो 3% की होल्डिंग गिरवी रखी हुई थी, अगर 2020 की बात करें तो 7%, मतलब उन्होंने डबल से भी ज़्यादा शेयर गिरवी रख दिए हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मुझे लग रहा है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड के पास 11% की, यहाँ पे अराउंड 11% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास 13% की होल्डिंग है और फॉरेन इन्वेस्टर के पास 15% की होल्डिंग है। आप देख लेते हैं चार्ट पे कैसा लग रहा है, म्यूचुअल फंड जो है उसने थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है ऐसा मुझे दिख रहा है। देख लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टर ने कैसा किया हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर ने थोड़ी सी होल्डिंग जो है उनकी कम की है, और यहाँ पे देखते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की होल्डिंग है वो लगातार सेम ही दिख रही है, 13% की है वो, उस थोड़ी सी कम ज़्यादा हो रही है मगर ऑन एन एवरेज सेम ही लग रही है। तो गाइज हो सकता है जब ऑटो इंडस्ट्री का जो पेन है, जो प्रॉब्लम्स है वो जब कम हो तो अब ये शेयर बहुत बढ़िया अच्छा परफॉर्म करे और आगे जाके मल्टीबैगर रिटर्न आपको बना के दे। तो और एक सवाल आता है हमेशा मुझे, लोग पूछते हैं कि मैंने इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और मुझे लॉस हो रहा है तो मैं क्या करूं। तो लॉस अगर हो रहा है तो आप इस शेयर के अंदर बने रह सकते हैं, आपको जल्दी ही इस शेयर के अंदर एक बाउंस बैक मिलेगा, और ये 150 रुपये के 130 या 140 के टारगेट्स हमें अगले आने वाले 2-3 महीने में दिखा सकता है। तो यहाँ से मुझे 5 से 10% की अपसाइड दिख रही है, उससे ज़्यादा की अपसाइड हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इस शेयर से। अब बात करते हैं कि इसके कॉम्पिटिटर शेयर्स के बारे में। यहाँ पे अगर देखें तो कॉम्पिटिटर के इस कॉम्पिटिशन में इसके बॉश शेयर हैं, इंडोरेंस टेक्नोलॉजी है और वेबो वेबको है। तो इन सबसे एक्चुअली अट्रैक्टिव वैल्यू पे मदरसन सुनी है, वो इंडस्ट्री लीडर है गाइस। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा इस शेयर, यही शेयर सबसे बढ़िया है। यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड भी इसका काफ़ी अच्छा है, पी रेशो भी एज कंपेटिटिवली बाकी शेयरों से काफ़ी अच्छा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेयर काफ़ी बढ़िया है। टेक्निकल पे बात करें तो वॉलेटिलिटी के मामले में ये शेयर बहुत ज़्यादा वॉलेटेल है एज़ कम्पेयर टू देयर पीयर्स कॉम्पिटिटर। तो मुझे ये लग रहा है गाइज कि अगर आप इस शेयर के अंदर गाइस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, मगर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी इसके अंदर होनी चाहिए। आपको ये शेयर अगर 100 रुपये से कम में मिलेगा तो आप इसके अंदर अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर मुझे अभी नहीं लगता कि ये शेयर 100 रुपये के नीचे आएगा नियर फ्यूचर में। तो इस रेट पे भी ये शेयर काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दे रहा है, तो आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।
दोस्तों, अगर आपके और भी कोई सवाल है इस शेयर के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का पर्सनली जवाब देता हूँ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।